एवरीवन, आज हम करेंगे टोन्ड आर्म वर्कआउट। आज हमारा पूरा आर्म वर्कआउट है, सो जिसमें हम बाइसेप, शोल्डर और यू नो ट्राइसेप हिट करेंगे। एंड बाय द वे, मैं टोटल 5 एक्सरसाइजेस हैं, ओके। सो पहले मैं एक्सरसाइजेस बता दूंगी आपको। एंड बाय द वे, मैं अपना इंट्रोडक्शन देना भूल गई। माई नेम इज अंजलि एंड आई एम वर्क इन वेलनेस एज अ ट्रेनर। सो मैंने आज का वर्कआउट, अच्छा वर्कआउट है काफ़ी। सो अब जिसके पास वेट्स हैं, लाइट वेट्स हैं, कैरी करो अपने। एंड जिसके पास नहीं है वो वाटर बॉटल्स कैरी करो। सो मैंने 2 वाटर बॉटल रखी है एंड मेरे पास वेट्स भी हैं। सो आज का मैं वर्कआउट जो है, मैं आपको बता देती हूँ कि हम कौन कौन सी एक्सरसाइज करेंगे पहले। एंड विद मी आप एटलीस्ट 2 सेट्स करेंगे। एंड आफ्टर दैट आप अपना वर्कआउट कंटिन्यू रखना, एटलीस्ट 3-4 सेट करना, ठीक है। सो हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज होगी पंचेस एंड आर्म्स रोटेट, ओके। एंड सेकेंड एक्सरसाइज इज पुशअप्स एंड डिप्स, ठीक है। एंड आफ्टर दैट थर्ड एक्सरसाइज होगी हमारी बाइसेप कर्ल ऑल्टरनेट। पहले हम ऑल्टरनेट वे में करेंगे बाइसेप कर्ल एंड देन विद बोथ हैंड्स, ओके। एंड द फोर्थ एक्सरसाइज इज हैमर कर्ल इनटू शोल्डर प्रेस। एंड लास्ट एक्सरसाइज होगी हमारी साइड लेटरल रेस टू फ्रंट, वो हम ऑल्टरनेट वे में करेंगे, ओके। सो हम अपनी थोड़ा सा यू नो एक्टिवेट कर लेते हैं अपनी मसल्स को, थोड़ा मोबिलिटीज एंड वार्म अप करके। एंड जिसको जिसको ये भी लगता है कि आफ्टर या बिफोर वर्कआउट थोड़ा उनको यू नो वार्म अप करना है अच्छे से, दे कैन डू जंपिंग जैक्स, स्क्वाट्स एंड बर्बीज एंड स्किपिंग, दैट्स इट। या आफ्टर दैट भी कर सकते हो आप। सो हम पहले थोड़ा यू नो वार्म अप करते हैं फॉर शोल्डर्स एंड आर्म्स। सब मेरे साथ करेंगे वर्कआउट, जो कर रहे हैं वो बहुत अच्छी बात है, जो नहीं कर रहे वो आफ्टर दैट जरूर करना। मेरे साथ सब सब सेम करना, रिपीट, आई मीन 2-3 टाइम्स करेंगे हम रिपीट। एंड देन थोड़ा हम ट्राइसेप एक्सटेंड वो करेंगे, स्ट्रेच, सेम एज हैंड लेंगे ऐसे एंड देन स्ट्रेच, रिपीट करेंगे। नेक रोटेट रोटेट भी करेंगे एंड लाइक साइड लेफ्ट एंड राइट भी देखेंगे, ओके, लाइक दिस। एंड नाउ रोटेट। नाउ शोल्डर्स। हम अपनी पहली एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे एंड 30 सेकेंड्स हम करेंगे पंच। जिनको विद वेट करना है, लाइट वेट वाटर बॉटल्स ऐसे पंच करेंगे, एंड जिनको विद वेट नहीं करना है वो अपने हैंड से पंच करेंगे फॉर एटलीस्ट 30 सेकेंड्स। एंड जस्ट उसी के नेक्स्ट फॉर अगेन 30 सेकेंड्स हम लाइक दिस रोटेट करेंगे वाटर बॉटल को, लाइक दिस। जिनको विद वेट नहीं करना है वो विदाउट वेट, ओके। सो मैं पहला सेट करूंगी विदाउट वेट, जो बिगिनर्स होंगे उनके लिए भी इजी होगा, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। मैं टाइमर सेट करती हूँ, प्रॉपर 1 मिनट की एक्सरसाइज है ये, ओके। 30 सेकेंड्स पंचिंग एंड 30 सेकेंड्स रोटेट।
सो हेयर आई एम स्टार्टिंग, लेट्स स्टार्ट. Come on, 10 seconds more. And now, change this. 30 seconds. 30 seconds punching, 30 seconds rotate your arms. Next, isi ke saath wali. 15 seconds front, 15 seconds back, okay? Now, back. सो आई एम डन विद माई फर्स्ट सेट, फर्स्ट एक्सरसाइज. एंड उसका फर्स्ट सेट हमने कम्प्लीट कर लिया है. एंड हम सेम एज ए रिपीट करेंगे आफ्टर 30 seconds. ओके, सो मैंने 30 seconds का टाइमर लगा दिया. आफ्टर 30 seconds हम ये सेम एज एक्सरसाइज रिपीट करेंगे. ओके, एंड इस बार मैं वेट के साथ करूँगी. एंड लिटरली ये बहुत इफेक्टिव वर्कआउट है. आई होप आप सबको अच्छा लगेगा. आफ्टर दैट लेट्स स्टार्ट अनदर सेट. ओके, लेट्स स्टार्ट. Change. Fifteen seconds front, 15 seconds back. Switch. Five seconds more, 3, 2, 1. And we are done. So we are done with 2 sets. अभी आप मेरे साथ वर्कआउट करें. एंड देन आफ्टर जस्ट मैं कंप्लीट कर लूंगी अपने हर एक्सरसाइज के 2 sets. आफ्टर इट आप मेरे बाद 2 to 3 sets और करें. ये वर्कआउट आप कंटिन्यू रखना. सो उसके बाद हम अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे, पुशअप्स विद डिप्स. तो हम बेसिकली 10 पुशअप्स करेंगे और 10 डिप्स करेंगे. सो जिसको सिप लेनी हो वो ले सकता है. लेट्स गेट स्टार्टेड विथ पुशअप्स एंड ट्राइसेप डिप्स. सो मुझे देखना मैं कैसे कर रही हूँ. होप सो क्लियर दिख रहा होगा. हम पुशअप्स करेंगे 10 पुशअप्स टोटल. I'm done with 10 push-ups and now time for dips, okay? सो आई एम डन विथ पुशअप्स एंड ट्राइसेप डिप्स. सो हम अगेन करेंगे. आप बाय द वे इसकी रेप्स की वॉल्यूम बढ़ा सकते हो. इट्स लाइक 12 to 15 भी कर सकते हो. इट्स अप टू आप. अगर ज्यादा एनर्जेटिक फील कर रहे हैं, ज्यादा मोटिवेटेड हैं, तो आप सेट्स भी बढ़ाइए और रेप्स भी बढ़ाइए. जस्ट ओनली 3 to 4 sets इनफ है. सो अब हम अगेन करेंगे पुशअप्स एंड ट्राइसेप डिप्स. ओके गाइज,
सो हम अगेन स्टार्ट करते हैं अपना पुशअप्स। एंड एक्चुअली ये एक्सरसाइज बहुत बेसिक है, सो इसके लिए 30 to 40 seconds का ब्रेक इनफ है। सो हम ज़्यादा इसके लिए रेस्ट नहीं लेंगे। सो हम स्टार्ट करते हैं अपना सेकेंड सेट। ओके एंड पुशअप्स डन एंड नाउ ट्राइसेप डिप्स। आई एम डन विद माय सेकेंड सेट। हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज होगी बाइसेप कर्ल। हम पहले ऑल्टरनेट करेंगे ओके विद ईच हैंड, एंड फिर हम मतलब सॉरी ऑल्टरनेट करेंगे एंड आफ्टर दैट हम करेंगे विद बोथ। एंड जो हम विद बोथ करेंगे उसमें हम काफ़ी स्लो जाएंगे डाउन। जब हम अप आएंगे हम स्लो काफ़ी स्लो जाएंगे डाउन। ये मेरी फेवरेट एक्सरसाइज है, मेरा बाइसेप एक्सरसाइज है। सो अब हम स्टार्ट करेंगे अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज बाइसेप कर। लेट्स स्टार्ट इट। 1 2 3 4 10 10 ईच हैंड, मतलब लाइक 10 10 एंड देन फिर बोथ 10। ओके 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 and then with both hand bicycle slowly down, 2 slowly down, 3 slowly down, 4 slowly down, 5 6 7 8 9 last 10 सो आई एम डन विद बाइसेप कर्ल। आफ्टर 1 मिनट अब हम नेक्स्ट यही सेट रिपीट करेंगे। ओके लेट्स स्टार्ट इट विद अनदर सेट। हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 and 20 and इसके बाद हम with both hands करेंगे। नाउ विद बोथ हैंड्स नीचे लाते हुए हम स्लोली लेकर आएंगे। ओके मसल कंट्रैक्शन या तभी तो आपको फील होगा। 1 2 3 4 5 6 4 more 4 3 last 2 2 last 1 1 This is one of my favorite exercise.
हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है हैमर कर्ल इनटू शोल्डर प्रेस. सो 10-10 ईच, लाइक वन हैमर कर्ल एंड देन शोल्डर प्रेस. सो अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे हैमर कर्ल इनटू शोल्डर प्रेस लाइक दिस. हैमर कर्ल शोल्डर प्रेस, ओके. वन टू डाउन, थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन. हम 12 रैप्स करेंगे इसके. टेन, वन टू मोर, इलेवन ट्वेल्व एंड देन डाउन. सो अब हम आफ्टर 1 मिनट यही सेम एक्सरसाइज रिपीट करेंगे हैमर कर्ल इनटू शोल्डर प्रेस. सो अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज अगेन स्टार्ट करेंगे बिकॉज आई नो 1 मिनट नहीं हुआ है बट मैं थोड़ा हरी में रहती हूँ बिकॉज मैं हार्डली 40-45 सेकेंड्स रेस्ट ले सकती हूँ. सो अगर आपको 1 मिनट का लेना है तो आप 1 मिनट एंड 1.5 का ले सकते हो. बट उन एक्सरसाइजेस के लिए जिसमें आप हैवी लिफ्ट कर रहे हो, इट्स नॉट लाइक कि अगर आप बहुत लाइट वेट्स एक्सरसाइज कर रहे हो तो आई डोंट थिंक सो कि इतना आपको रेस्ट की जरूरत होगी. हार्डली 1 मिनट इज इनफ. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. हैमर कर इनटू शोल्डर प्रेस. टू थ्री फोर फाइव सिक्स सिक्स मोर six five four three more three last two two last one guys I'm done. जिनको हैंड हाथों में पेन सा फील हो रहा है या ऐसा लग रहा है कि थोड़ा यू नो तो यू नो शेक कर लो लाइक दैट्स इट. एंड हमारी लास्ट एक्सरसाइज रह गई है गाइस, लास्ट एक्सरसाइजेस कॉज आई एम हैप्पी. ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ वर्कआउट कंप्लीट करके एकदम फ्री हो जाती हूँ. आफ्टर दैट मैं ये अगेन करती हूँ अच्छे से. इट्स लाइक कि और वेट इंक्रीज करके या विद रैप्स एंड ऑल इंक्रीज करके. एंड बाय द वे चैलेंज तो नहीं बोलूंगी बट आपको अगर ऐसा फील होता है कि आपको कार्डियो करना है, थोड़ा हिट करना है, सो यू कैन डू स्किपिंग्स, ओके. 10-15 मिनट्स. एंड जिसको ऐसा लगता है कि वो ये नहीं कर सकता, वो जाके नॉर्मल जॉग कर ले 10-15 मिनट्स या वॉक कर ले एटलीस्ट. सो अब हमारी लास्ट एक्सरसाइज रह गई है साइड लेटरल विद फ्रंट. इट्स लाइक दिस. सो हम 10-12 रैप्स करेंगे या 12-15. लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर लेग्स लास्ट एक्सरसाइज. हो वन टू थ्री फोर फाइव six seven eight nine ten eleven twelve thirteen fourteen oh fifteen
16, 4 और है गए हैं, 17, 18, लास्ट 2, 19, 20, ओके, जिसको विद लाइट वेट करना है, इट्स लाइक दिस, 1, 2, ओके गाइस, प्रॉब्लम इज हैवी वेट होता है तो ऑब्वियसली हैवी होता है, रेप्स कम निकलते हैं थोड़े, लाइट होगा तो आपको एटलीस्ट वो 15 to 20 रेप्स में आपको हिट लाइक फील होगा वो एक्चुअल पेन जो मैं इस वेट में फील कर रही हूँ. एंड बाय द वे लाइक अच्छा है कि अगर आप रेप्स इंक्रीज करो. सो अब हमारी लास्ट एक्सरसाइज रह गई है एंड मे बी मैं शायद लाइट वेट से करना पसंद करूँगी बिकॉज डैम माई शोल्डर्स आग लग रही है गाइस. सो अब हमारा लास्ट सेट है, आफ्टर दैट हमारा वर्कआउट कंप्लीट होगा. सॉरी मेरा. एंड आप अपना कैरी ऑन रखना एंड प्लीज स्किपिंग करना पड़ेगा, वो आफ्टर दैट कमेंट में आके मुझे बताएगा. ओके सो अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज. ओके 3 more, 1, I'm too light weight. Last, and we are done. जिसने मेरे साथ वर्कआउट किया है टू लेट मी नो, मतलब मुझे बताना कि वर्कआउट कैसा लगा. एंड मेरा वर्कआउट कंप्लीट होता है एंड आप लोग कैरी ऑन रखना एंड स्किपिंग अपना कार्डियो भी कंप्लीट करना आफ्टर वर्कआउट. ओके सो एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वर्कआउट ताकि आपके जैसे और लोग भी इसको देखें और करें एंड उनको भी टू मच पेन फील हो. चलो गाइस सी यू ऑन नेक्स्ट वीक. बाय बाय एंड बाय बाय गाइस. थैंक यू आज के सेशन के लिए.